पहला यहोना उसका 2:9-14 आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। ये भाई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्या हूं, मैं ज्योति में हूं, पर यहां इसलिए बैठा है क्योंकि उसे उस भाई से प्रॉब्लम है। तो यीशु मसीह ने कहा अगर कोई ये कहे कि मैं ज्योति हूं और अपने भाई से बैर करे वो अब तक अंधकार में, अभी भी अंधेरे में। यीशु मसीह कहता वो मुझ में आया ही नहीं है। हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा, बताइए क्यों? बड़े बड़े प्रीचर वहां नहीं होंगे, बड़े बड़े पापी भी वहां कहीं मिलेंगे, पता है क्यों? नफरत। अरे मेरा एक बंदा उधर चला गया, नफरत, जेलेसी। अच्छा ये इतना बढ़ गए, इनको कर दा मैं सेट। नफरत, कहता अब तक तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम अभी भी नॉन क्रिश्चियन हो, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो, वैर करते हो। उसने कहा जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ चर्च चल रही है, ओ तेरे दी फुल वर्शिप चल रही है फुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गड्डी आ रही है जी, गड्डी जा रही है जी, चर्च आ रही है जी, चर्च जा रही है जी, फुल बिजी है जी यहां पर बहुत। और एक दिन ठोकर लगती है ठक, और बंदा सोच रहा है कि मैं तो विश्वासी हूं, मुझे ऐसी ठोकर क्यों लगनी चाहिए, मेरे घर में ऐसी बीमारी क्यों, मेरी फैमिली में एक अनटाइमली डेथ क्यों हो रही, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने भाई से प्रेम करता वो ज्योति में है। इसका मतलब जो अपने भाई से प्यार नहीं करता वो अंधेरे में है और वो ठोकर खाएगा। फिर हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, मैं लिमिट में क्यों हूं, मैं जो चाहता हूं मेरे साथ वो क्यों नहीं होता, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, मैं जो चाहता हूं अपने फाइनेंस में अपनी लाइफ में वो क्यों नहीं होता। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने भाई से प्यार करता है तो ज्योति में है और फिर तू ठोकर नहीं खाएगा, पर अगर तू भाई से नफरत करेगा तू अंधेरे में, और तू जा रहा है लेकिन अंधा होके जा रहा है और कोई मालूम नहीं तू किससे ठोकर खाएगा, किसके अंदर भजेगा, तू कहां गिरेगा, कहां लपटेगा, कुछ नहीं पता। और आगे क्या लिखा, जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारे उसके नाम से पाप माफ हुए। हे पितरों मैं इसलिए लिखता हूं जो आदि से तुम उसे जानते हो। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों मैंने इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो, बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना का अगला वचन इसी पहला यूहन्ना का निकालेंगे, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे तुम्हें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। उसने कहा अगर कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो फलानी पार्टी का मेंबर हूं, मैं तो बिशप हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रोफेट हूं, और अपने भाई से नफरत करे, यीशु मसीह ने कहा तुम समझ लेना, अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूं जो जिसको देखा नहीं है और देखे भाई से नफरत करे, परमेश्वर कहता समझ लेना ये बंदा झूठा है। कहता जिसे तुमने देखा है उससे तुम प्यार नहीं कर सकते, और तुमने जो मुझे देखा नहीं तुम कह रहे हो मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे अगर देखा होता
अपने भाई से तुम प्यार करते, पर हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी। मैंने कहा हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां बहुत से लोग वहां नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं, पर शैतान शुरू से ही नफरत करता आया, जेलसी करता आया। पहला पाप जेलसी था। शैतान जेलसी करता था आदम और हवा से, और उसी जेलसी के चक्कर ने उसने उनको फंसा लिया था। 2021 अगर आप चाहते हो कि आप ठोकर ना खाएं, अगर आप चाहते हो आपको ठोकर ना लगे, तो अपने भाई से क्या करना? आप अपने नफरत करने वालों को, अपने बुरा बोलने वालों को, मैं नहीं कहता उनकी संगति करो, पर उनसे बैर मत करो। मैं नहीं कहता उनके साथ जाओ, पर उनसे नफरत मत करो। शैतान क्या करेगा? वो लोगों को यूज करेगा। वो आपके खिलाफ बोलेंगे, वो आपके वाइफ के खिलाफ बोलेंगे, आपके मां के खिलाफ बोलेंगे, आपके बच्चे के खिलाफ बोलेंगे, और आपके दिल में कड़वाहट पैदा होगी, और वो कड़वाहट आपको स्टॉप कर देगी, आपको रोक देगी बरकत लेने के लिए। उसी कड़वाहट के चलते आप बोलना बंद कर देंगे, आप नफरत रखेंगे, मौका ढूंढेंगे कब ऐसा मौका हो और मैं इसको डाउन करूं। परमेश्वर ने कहा तुम अंधकार में हो, तुम ज्योति में नहीं। अगर तुम ज्योति में होते तो अपने भाई से क्या करते? प्यार करते। इमेजिन करो, हमें परमेश्वर ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान रहने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसा कि 2021 में ऐसा क्या हो जाएगा एक दिन में कि आप उसे हैप्पी हैप्पी बोलते हैं 2020 के लास्ट दिन? जब तक आप अपनी लाइफ में कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिटर्मिनेशन से ये फैसला नहीं करेंगे कि मुझे बदलना है और मैं स्टेप लूंगी, 2020 और 21 में कुछ भी फर्क नहीं। आप जानते हैं स्वर्ग में जितनी चेंजिंग्स होती हैं, वो सबसे पहले आप जितनी चेंजिंग स्वर्ग में देखना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, आपको नीचे अपने हार्ट को, अपनी आत्मा को आपको बदलना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको इमोशंस के हाथों से परे होके आपको वर्ड के हाथों से, वर्ड के ऊपर से आपको चलना पड़ता है। आप कुछ पसंद नहीं करते, आपको माफ करना पड़ता है। अगर आप दिल से माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं भी दिल से तुझे माफ नहीं करूंगा। आप कहेंगे नहीं, इसकी गलती है, इसने ऐसा बोला, मैंने फेथ किया। परमेश्वर बोलेगा हां, मैंने भी तुझ पे फेथ किया, तूने भी ऐसा किया, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है कि स्त्री और पुरुष अपने मसलों को सॉल्व करें बाइबल पे चलते हुए, ताकि उनकी प्रार्थनाएं पत्नी और पति की रुक ना जाए। याद रखो, अगर हमें परमेश्वर के सामने हाथों को उठाना होगा तो हमें अपने हाथ खाली और अपनी आत्मा को फ्री रखना होगा, अगर हम चाहते अपने हाथों को हम परमेश्वर की ओर उठा सकें। उस वचन को फिर से पढ़ें, भला यूहन्ना उसके दो वाले को, जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, बोलो अपने पड़ोसी को, वो अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और वो ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। आप एक बात को रिकॉर्ड को देखो इस चर्च के, 2004 में मैं मसीह में आया हूं, 7 में मैं खामरा में आया हूं, 2007 में जब मैं आया हूं खाली हाथ आया हूं, 2007 से लेके 2020 तक आप इस रिकॉर्ड को देखो, खामरा चर्च ने अपनी एक भी फाइट को या मैंने हारा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं कभी लड़ाई नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं लड़ा हूं, जो मेरे पीछे मेरा बॉस है वो लड़ा है। अगर मैं लड़ता तो शायद कुछ 50-50 होता कि 10 जीते 2 हारे। मैंने कभी नहीं लड़ाई की, मेरे लोग करीब के जानते हैं,
कोई मुझे आके बोल दे कि वो आपको ये कह रहा है वो कह रहा है, मैंने कभी नफरत को पैदा नहीं किया, मैंने कभी लड़ाई नहीं की, मेरे बॉस ने की, इसलिए मेरा परसेंटेज 100 है। और मैं जानता हूं मेरा बॉस मुझे कभी छोड़ता नहीं, और मेरा बॉस वो आपका बॉस। मैंने कहा मेरा बॉस वो आपका बॉस है, मेरा फादर वो आपका फादर है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, अगर आप खुद फाइट करेंगे थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा करेंगे, बीमारी पैदा कर लेंगे, ठोकर खा लेंगे, क्योंकि शैतान इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करते हैं आपके अंदर आने के लिए। और परमेश्वर इन्हीं चैनल्स को, इसी माफी को, इसी प्रेम को, इसी सामर्थ को, इसी स्टेप्स को यूज करता है आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए। आपकी क्रिश्चियन लाइफ उतनी ही अच्छी है, स्ट्रांग है, जितना आपका शरीर, आपकी जुबान, आपकी आंखें आपके काबू में है। जीविका का घमंड ये एक पाप है, आंखों की अभिलाषा ये एक पाप है, शरीर की अभिलाषा ये एक पाप है। जितना आपका शरीर, आंखें, आपकी जीविका आपके कंट्रोल में है, आपकी फुल लाइफ कंट्रोल में है। ऐसा नहीं हो सकता अपने भाई से आप बैर करें, नफरत करें, और परमेश्वर बोलेगा तू अंधकार में है, तू ज्योति में नहीं, तू मुझ में नहीं, तू अभी शैतान में है। और आप बोलेंगे मैं तो बड़ी चर्च का मेंबर हूं, मैंने तो तेरी सेवा ही बड़ी की है, मैंने तो काम बड़े 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 किए हैं, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। बेटर है एक चर्च के एक कोने में पड़े पड़े, किसी के निगाह में ना आए हुए भी एक आम जीवन जी के स्वर्ग चले जाना, इससे कि आप स्टेज पर हो और नरक चले जाएं।